चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर है जयपुर से, जहां पर पार्षद कृष्णा शर्मा व पूर्व पार्षद सुरेश शर्मा ने दी जनता को सौगात और लाइट लगा के दिया रोशनी का चमत्कार। दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ है सुरेश जी शर्मा, हम इनसे जो इन्होंने अभी यहाँ का जो नक्शा चेंज किया है जो आज तक हुआ नहीं है, जो बस्ती थी ये इंदिरा ज्योति नगर अंधेरे में रहती थी, लेकिन जब से ये पार्षद बने हैं क्या मंदिर क्या मस्जिद क्या कब्रिस्तान सब जगह विकास, जन जन का लाडला सुरेश शर्मा पूर्व पार्षद जो हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं एक बार इनके बारे में। हाँ सर, वार्ड नंबर 16 जिसमें पहली बार ये शहीद इंदिरा ज्योति नगर कॉलोनी जो है पहली बार इस वार्ड नंबर 16 में जुड़ी है, और जब चुनाव के दौरान ही आकर के देखा तो यहाँ बड़ी दयनीय स्थिति थी। हर तरफ से ही लाइटों की तरफ से देख लो आप, रास्ते हैं जो रास्ते देख लो कैसे हैं, मतलब रोड नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ना कोई शिविर की व्यवस्था है, ना कोई पानी की लाइनों की व्यवस्था है। तो अभी इसमें रमज़ान का आज महीना चालू हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ सभी प्रदेशवासियों को, धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि ऐसी जो बस्तियाँ हमारी बसी हुई है वो बस्तियों में जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ रोशनी पर्याप्त होनी चाहिए, और आज इस बस्ती में मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद ऐसी रोशनी हो गई जैसा मेरा एक सपना था, वह सपना साकार हुआ इस रोशनी को देख करके। आमीन। और मैं तो यही चाहूँगा कि ऐसी कच्ची बस्ती में जो लोग निवास कर रहे हैं वो कितनी परेशानी में रह रहे होंगे अंधेरे में, आज मतलब 21वीं सदी में जाने के बाद में भी जो परिवार अंधेरे में रह रहे हैं आज उनके घरों में जो ये रोशनी देख रहे हो आप, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा इन बस्ती वासियों का आशीर्वाद इससे बड़ा और हमें और चाहिए भी नहीं, इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अतिशीघ्र मेरा सपना है ये, बहुत अतिशीघ्र हमारे जो यहाँ से पार्षद कृष्णा शर्मा है उनकी तरफ से इस बस्ती में रोड के लिए, नालियों के लिए, सीवरेज लाइन के लिए, पानी की लाइन के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस्ती में छोटे छोटे जो बच्चे हैं इनकी तालीम की शिक्षा का है ना बिल्कुल पूरी तरह से अभाव, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। तो मैंने अभी सरकारी स्कूल के लिए भी है जो शिक्षा मंत्री जी के यहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी के माध्यम से मैंने वहाँ भी फाइल चालू करवाई है, और मैं समझता हूँ कि मालिक के क्रम से वो भी जल्दी हमारी इच्छा पूर्ति होगी। और मेरा तो यही मानना है और मेरा ये सपना भी है कि इस बस्ती को इतनी बढ़िया तरीके से डेवलप कर दें।